बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। दूर दराज के देही इलाकों में मिलिटेंसी से निपटने के लिए तैयार किए गए वीडीसी यानी कि विलेज डिफेंस कमेटी के मेंबरान की हालत खस्ता है। कमेटी के लोगों की माने तो इन्हें दो साल से किसी तरह की माली मदद या तनख्वाह नहीं दी गई है। इन वीडीसी की माने तो बुरे से बुरे हालात में भी इन्होंने लोगों की हिफाजत की, लेकिन आज खुद अपना कुनबा नहीं चला पा रहे हैं। इन्होंने कहा कि अगर इन्हें तनख्वाह नहीं दी गई तो हमारे पास सुसाइड के अलावा कोई और चारा नहीं बचेगा। टाइम पर मिलिटेंसी शुरू हुई थी, मैं इंचार्ज था, मेरी पोस्ट यहाँ पर थी, मतलब मुझे पता है कि मैं कैसे यहाँ पर ऐसे डील किया थी, ये वीडीसी वाले साहब मेरे साथ। तो इन हालात में कोई वो, मैं फिर वही कहूंगी कि वो तीन एसपीओ थे, छह मेंबर ये सोए हुए थे, तीन मतलब लड़ रहे थे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आपके चैनल के इनके साथ न्याय होना चाहिए, और जो भी इनका शेयर बनता है, एक एसपीओ के साथ तीन मेंबर आते हैं, तो चारतियों बारह जो उसके हिसाब से इनको पैसा मिलना चाहिए। 2001 में दी थी सर। सर हम तो इतने मजबूर हो गए, अब गवर्नर साहब जो है, तो मेरी तो रिक्वेस्ट इतनी है कि अगर वो करेंगे, अगर हमारा ये इनके जो हमारा फैसला ये करेंगे तो ठीक है, नहीं तो सर हम तो इनके जो मतलब जो गन्ने हम इनके दी गई है हमें, तो इसी से हम सर इनके आत्महत्या कर देंगे। सर लोग सब मजबूर हो गए, तो सर मेरी रिक्वेस्ट आपके पास है कि चलो हमारा भी कुछ सोचे करे, नहीं तो एक ही रास्ता चुना, इसी गन से हम अपने बीवी बच्चों को मार देंगे, हम भी खुद आत्महत्या करेंगे। तो सर हमारे पास कोई रास्ता और है नहीं, तो हमारी रिक्वेस्ट है, मानेगी सरकार तो ठीक है, करेगी कुछ तो ठीक है, नहीं सर तो लास्ट हमारे पास यही है कि हल की हम आत्महत्या करते हैं। हमें भी कुछ मिलेगा, लेकिन कोई उम्मीद नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है, तो ये खा रहे हैं सारा पैसा, ये हमारे एसपीओ खा रहे हैं। तो लिहाजा इसमें ये है कि हमें भी गवर्नमेंट ने हमारे इसमें अकाउंट में अगर गवर्नमेंट भेजे तो हमें भी मिलेगा, नहीं तो ये अगर 12 लाख भी गवर्नमेंट इनको देगी तो ये हमें कभी नहीं देंगे। पिछले साल जब भी चीजें हमारे नोटिस में आने लगी और बहुत सारे लोग जो एसएसपी डोडा के पास भी रिप्रेजेंट हुए, उनमें उनको प्रॉपर काउंसलिंग किया गया, और रेगुलर काउंसलिंग के बाद बहुत सारी जगहों पर ये चीजें सॉर्ट आउट भी होगी और उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो रिज्यूम भी हुआ। जिन लोगों ने नहीं किया तो उनको फिर हमने रेगुलर एसपीओ कंसीडर करके कुछ लोगों को रेगुलर पुलिस ड्यूटी पर भी लगा दिया था।